शांति, सारे समाज, सारे नेता, सारे प्रतिनिधि, सारे बुद्धिजीवी साथी सब मिल करके आज मनाए हैं और आज दृढ़ करता था। अब कुछ देर के बाद वो मोटरसाइकिल से जाने लगता है, फिर कार से जाने लगता है, लेकिन इनका घर कर्पूरी का घर जैसा था वैसा ही रह गया, चाहे वो विधायक के रूप में रहे हो या मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो। इन्होंने कभी भी अपने अंदर लालच को पैदा नहीं होने दिया। धन मिछन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मान मिछन्ति मानो ही महदादनम। नीच लोग धन की अपेक्षा करते हैं, अधमा धन मिछन्ति धनं मानं च मध्यमा, और बीच वाले लोग धन और मान दोनों की अपेक्षा रखते हैं। उत्तमा मान मिछन्ति, मेरा प्रयास होता और हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब आप सरकार में रहेंगे तो इनको राष्ट्रपति का राष्ट्रपति से हम लोग यह आग्रह जरूर करें इनको भारत रत्न की उपाधि के लिए प्रस्ताव पारित हो। जब इतने गहरे कि इजहार क्या करें, हम खुद निशाना बन गए, वार क्या करें। मर गए तेरे दर पर हम खुली रही आंखें, मर गए तेरे दर पर हम खुली रही आंखें, बस यारो इससे ज्यादा हम बात क्या करें। जन्मतिथि समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, शास्त्री और देवघर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शर्मा जी, समाजवादी प्रखर नेता हरि बाबू, रमणीकांत जी, गुप्ता जी, जनतापति जी, ध्रुव शाह जी, राजेंद्र दास जी और तमाम उनकी ये 97वीं जन्मतिथि आज हम उनकी मना रहे हैं। आज जब उनकी तिथि मना रहे हैं, उनका संस्मरण हमें याद है, उनसे पहली मुलाकात देवघर के आर मित्रा मैदान में सितंबर माह 1984 को एक सभा के दौरान हुआ था और मैं कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के घर बैठा हुआ था और उन्होंने हमें जो उनके विचार उनके भावना को जब मैं सुना आर्मित्रा के मैदान में और मैं उनका समर्थक बन गया और सौभाग्य से सभागार में बैठे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश पासवान जी, सभागार में बैठे मेरे अग्रज हरिप्रसाद जी, मेरे अनुश्री त्रिवेदी वर्मा जी और तमाम इस सभागार में बैठे मेरे प्रिय छोटे भाई और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रमणीकांत ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हृदय से धन्यवाद है देने का। मेरा एक वैज्ञानिक मकसद भी है इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय ही होता है। जब लोग कहे कि मन से बधाई दे रहा हूं तो समझिए कि सीमित बधाई दी जा रही है, सीमित धन्यवाद दिया जा रहा है। जब लोग कहते हैं हृदय से बधाई दे रहा हूं तो समझिए कि बहुत ही असीमित मात्रा में बधाइयां दी जा रही। मैं भूल गया, यहां मेरे पड़ोसी जलेश्वर ठाकुर जी भी हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं।
मैं हमेशा इनके घर से गुजरता हूँ तो बस ये पुकारता हूँ, हम दोनों में काफी घनिष्ठता भी है, आज यहाँ मौजूद हैं, उनका नाम संबोधन में नहीं ले सका था। दोस्तों बहुत लंबा समय खींच गया है और मेरे पूर्व मंत्री को शायद और कई जगह जाना है, अपनी बात को आज मैं संक्षेप में ही रखूंगा, फिर कभी कोई चर्चा होगी तो बताऊंगा। भारत में 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक है, 20वीं शताब्दी में तीन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, एक लोकमान्य तिलक हुए जो लोकमान्य हुए, दूसरे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए और तीसरा व्यक्ति जननायक कहलाए और जीवित अवस्था में अपने जीवन काल में उनके कर्मों के आधार पर, उनकी लोकप्रियता के आधार पर उन्हें लोगों ने जननायक उपाधि दी। पिछले दो महान व्यक्तित्व जिन्हें लोकमान्य लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया, शोभित हुए, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए और फिर कर्पूरी ठाकुर जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर। एक व्यक्ति नागेश्वर शर्मा हो और एक व्यक्ति किसी वैसे परिवार का बच्चा जो बच्चा हो जिन्हें भोजन और वस्त्र नहीं मिलता हो, लेकिन वे अपने कर्म के आधार पर अगर कुछ अचीव करते हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं यह कहकर लोकमान्य तिलक, लोकनायक जयप्रकाश के योगदानों को कम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जननायक होना निश्चित रूप से 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और आज हम उन्हीं की जयंती मना रहे हैं। दोस्तों दक्षिणी भारत में दो नाम प्रसिद्ध हैं। अगर हम में से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग मैं इतना बीच गए होंगे और गए होंगे तो वहां पेरियार की मूर्ति, अन्नादुरई की मूर्ति, इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है और द्रविड़ आंदोलन में जो भूमिका वहां के पिछड़े, वहां के भूखे, जहालत की जिंदगी जीने वाले और विषमताओं की मार झेल रहे लोगों के लिए पेरियार और अन्ना द्रोई ने जो काम किए वही काम उत्तरी भारत में कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, करने का काम किया, इसलिए उत्तरी भारत के एक ऐसे नायक कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्हें सदैव लोग याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगे।